हेलो स्टूडेंट, आज हम समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः कितना, ए बी और 2a हो। प्रथम पद ए, द्वितीय पद बी, अंतिम पद 2a। इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा ए, द्वितीय पद कौन सा है, यह है बी, तो सार्वांतर हमको क्या मिलेगा, डी बराबर दूसरे पद में पहले पद को घटा दो तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। और अंतिम पद हमको दिया गया है, अंतिम पद एल बराबर कितना दिया है वहां पर, अंतिम पद 2a। ये अंतिम पद के लिए सूत्र जो होता है एनवा पद वाला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल कितना, 2a। अब यहां प्रथम पद ए के जगह तो ए ही आएगा, वही दिया गया है, एन माइनस वन इंटू डी, डी के जगह में क्या लिखेंगे, बी माइनस ए इक्वल क्या हो जाएगा, 2a। चूंकि यहां पर ए जो है इसके साथ प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए इक्वल 2a माइनस ए, एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए इक्वल 2a में a को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, a। अब एन माइनस वन इसके साथ बी माइनस ए क्या हो रहा है, गुणा, तो उधर जा क्या होगा, भाग, तो a बटे बी ऋण ए। अब एन के साथ एक जो है घट रहा है, उधर जाके जुड़ेगा, ए बटे बी ऋण ए, तो ये प्लस वन, तो वन को वन बाई वन लिख देते हैं, लघुत्तम कितना आएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए से इसको भाग दो आएगा एक, अंश में गुणा करोगे क्या आएगा, ए, प्लस एक से इसको भाग दोगे बी माइनस ए, एक से साथ गुणा कर दोगे तो बी माइनस ए, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाता है, तो हमको पदों की संख्या एन बराबर क्या मिल जाएगा, बी अपन बी माइनस ए। ये हो गया आपका पदों की संख्या एन। अब बोला गया है श्रेणी का योगफल इतना होगा, हमको सिद्ध करना है, क्योंकि पदों की संख्या कितना आ चुका है एन, इसलिए एन पदों का योगफल एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, तो एस एन इक्वल पदों की संख्या एन के जगह में ये आएगा, बी अपन बी माइनस ए बटे दो, ए की जगह तो ए रहेगा और एल की जगह कितना आ जाएगा, 2a। ये हो जाता है आपका बी अपन बी माइनस ए, साथ में ये 2 का गुणा हो जाएगा और a और 2a मिला क्या हो जाएंगे, 3a, तो एस एन बराबर 3ab अपन 2b माइनस ए, और यही जो है हमको सिद्ध करना था कि श्रेणी का योगफल 3ab अपन 2 इंटू बी माइनस ए है, और ये हमारा आंसर आ गया, मतलब सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, ध्यान रखेंगे एन पदों का योग एन स्क्वायर प्लस 4n है, श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर एन पदों का योग बोला इसलिए हम क्या लिखे, एस एन इक्वल एन स्क्वायर प्लस 4n। अगर हम यहां पर एन का मान एक रखेंगे तो एक पद का योग मतलब प्रथम पद, अगर हम दो रख दें तो दो पदों का योग, पांच रखेंगे पांच पदों का योग, 15 रखेंगे 15 पदों का योग आएगा। अब यहां पर एक चीज समझना है आपको, मान लो आपको एक समांतर श्रेणी दे दिया गया है ये, ठीक, मान लो मैं बोलूं कि दो पदों का योग यानी कि एस टू, तो ये कितना मिलेगा, 3। अगर मैं बोलूं तीन पदों का योग एस थ्री, तो ये कितना मिलेगा, 3 2 5 और 1 6। ध्यान देंगे यहां पर तीन पदों का योग 6
और दो पदों का योग तीन। अगर मैं ये दोनों को माइनस कर दूं, S3 माइनस S2 कर दूं, तो यहाँ पर मिलेगा 6 माइनस 3 यानी कि 3। और ये 3 है क्या चीज? श्रेणी का तीसरा पद यानी कि A3। तो इसको और इसको आप देखिए मतलब क्या है। श्रेणी का तीसरा पद किसके बराबर हो रहा है? तीन पदों का योग ऋण दो पदों का योग। हमको यहां पर जो है 15वां पद ज्ञात करना है। तो अगर 15वां पद ज्ञात करना है तो A15 बराबर क्या हो जाएगा? S15 माइनस S14 यानी कि 15 पदों का योग में 14 पदों का योग यदि माइनस कर दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? 15वां पद। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो है n बराबर 15 व 14 रखने पर, आपका s बराबर 15 रखोगे तो S15 का हो जाएगा 15 का वर्ग धन 4 गुणित 15। अब 15 का वर्ग कितना आएगा आप गुणा कर लीजिए, 15 × 5 75 का 5, हासिल 7, और 15 × 1 15 और 7 22, कितना? 225 धन 15 × 4 60। जोड़ दीजिए, 5 और 0 5, 2 और 6 8, और ये 2, कितना आया? 285 85। अब इसके बाद जो है आप 14 रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का वर्ग धन 4 गुणित 14। अब यहाँ पर 14 का वर्ग यानी कि 14 × 14, तो 14 × 4 14 × 2 28, 14 × 3 42, और 14 × 4 56 का 6, हासिल 5, 14 × 14 और 5 19, कितना? 196। और ये कितना हो जाएगा? 14 × 28, 28 × 56 यानी कि 14 × 56, 6 और 6 12 का 2, हासिल 1, 9 और 5 14 और ये 15 का 5, हासिल 1, 1 और ये 1 2, कितना मिला? 252। तो 15वां पद जिसको हम लिखेंगे A15 इक्वल क्या आएगा? S15 माइनस S14। तो ये आपका हो जाएगा S15, कितना आया है? 285 ऋण ये आया है 252। घटा देते हैं, यहाँ स्पष्ट लिख के घटा देता हूँ, 285 में 252 माइनस करना है, 5 में 2 घटाएंगे 3, 8 में 5 घटाएंगे 3, तो ये कितना आया? आपका आंसर आता है 33 यानी कि 15वां पद जो है श्रेणी का 15वां पद 33 होगा, ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं की उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद an बराबर कितना? 3 + 2n से दिया जाता है। तो एनवा पद an बराबर 3 + 2n दिया गया है। यदि हम यहाँ पर n इक्वल 1 2 3 और लास्ट में हमको 24 पदों का बोला है, इसलिए हम 24 भी रख देते हैं, 24 रखने पर। तो अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ पर a1 और ये हो जाएगा 3 + 2 × 1, तो 3 + 2 यानी कि कितना हो जाता है? 5। नेक्स्ट a2, तो 3 + 2 × n के जगह 2, तो ये 3 प्लस ये 2 × 2 = 4, कितना हो गया? 7। अगर हम 3 रखें तो 3 + 2 × 3, तो 3 प्लस ये 2 × 3 = 6, 6 और 3 = 9। और ऐसे करते करते अगर हम 24वां रखें, ये 24, तो ये हो जाएगा 3 × 2 और यहाँ पे 24 बराबर 3 × 2 = 8
और 2 दूनी 4 बराबर कितना होगा 51। अर्थात श्रेणी क्या बनेगा 5, 7, 9 और अंतिम में क्या बनेगा 24। अब यहां पर अगर हम प्रथम पद देखें a बराबर तो कितना मिलेगा 5, अंतिम पद l देखें तो कितना मिलेगा 24। ठीक, अंतिम पद कौन सा है 24, यानी कि 24वां पद है। अच्छा, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चौथा पद बोलता हूं, 24वां पद, 24वां पद कितना 51 है, सॉरी, ये आपका 5, 7, 9 और लास्ट वाला 51। तो प्रथम पद a बराबर 5 और अंतिम पद l बराबर कितना हो जाएगा 51। ठीक, अब यहां पर जो है बोला गया है कि प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग एस एन बराबर क्या होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो प्रथम 24 पद का बोलता है मतलब n की जगह कितना रखना पड़ेगा 24, तो यहां पर हो जाएगा 24/2 और प्रथम पद a कितना है हमारा 5 और अंतिम पद यानी कि 24वां पद कितना है 51। तो ये हो जाएगा 2 से इसको भाग दोगे तो 12 और ये 51 और 5 कितना 56 गुणा कर दो 12 6 72 का 2 हासिल 7 12 5 60 और ये 67 यानी कि कितना आंसर आ गया 672। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि, ये जो आपका दिया गया है। अब यहां पर ध्यान देंगे पीवा क्यूवा और आरवा पदों का योगफल दिया गया है। तो योगफल के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल और एक होता है एस एन इक्वल एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब दोनों में से जो है हम कोई एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर भी ए बी सी दिया है तो हम एक काम करते हैं कि ये जो प्रथम पद और अंतिम पद जो दिया गया है उसको हम कैपिटल में ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए व अंतिम पद कैपिटल एल है तो पीवा ये पीवे पदों का योगफल। तो जैसे एस एन क्या दर्शाता है एन पदों का योगफल, तो यहां पर जो है पीवा पदों का योगफल मतलब क्या होगा एस पी बराबर कितना है बोल रहा है पीवा पद का योग ए है तो यहां पर हो जाएगा बराबर ए। या इसको लिख देंगे इसके जगह इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो एन बाई 2 एन पदों का था तो एन पी पदों का है तो क्या हो जाएगा P by 2 into A plus L equal क्या हो जाएगा E। अब जहां पर सिद्ध करना है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि A बटे P है, तो A बटे P प्राप्त करने के लिए इस P को हम इधर ले आएंगे, यहां गुणा हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है A plus L पूरे का बटे 2 कर सकते हैं इसको बराबर a बटे p, या इसको पलट देते हैं a बटे p बराबर a प्लस l बाई 2। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 1। अगर इसी प्रकार हम क्यूवा पद वाला लें तो s q बराबर क्या होगा b, ये हो जाएगा q बटे 2 इंटू a प्लस l बराबर b। तो ये a प्लस एल बटे 2 बराबर हो जाएगा b बटे q, समीकरण नंबर 2।
और ठीक इसी प्रकार जो है इसको एक बार चेंज करके लिख देता हूँ भाई, या बी बटे क्यू बराबर ए प्लस एल बाई टू, इसको लिख लेते हैं अपन समीकरण दो। सेम ऐसा ही अगर हम लिखेंगे तीसरा वाला तो आपको क्या मिलेगा, सी बटे आर बराबर मिलेगा ए प्लस एल बाई टू, समीकरण नंबर 3। अब चूंकि हम तीनों समीकरण प्राप्त कर चुके हैं, अगर हम ये जो समीकरण दिया गया है उसका केवल लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लें और मान को रख दें तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए बटे पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बटे क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बटे आर इंटू पी माइनस क्यू, मान को रखिए। अब यहाँ पर ए बटे पी देखेंगे तो ए प्लस एल बाई टू है, ए बटे पी की जगह ए प्लस एल बाई टू कोष्टक में क्या है, क्यू माइनस आर। अगर हम बी बटे क्यू देखें तो ए प्लस एल बाई टू है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एल बाई टू आर माइनस पी। वैसे ही सी बटे आर का देखें तो ए प्लस एल बाई टू, ए प्लस एल बाई टू इंटू पी माइनस क्यू। अब इन सभी में ए प्लस एल बाई टू हमको दिख रहा है, सबको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, क्यू माइनस आर, यहाँ से क्या बचेगा आर माइनस पी, और यहाँ से क्या बचता है पी माइनस क्यू। अगर हम देखें प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर प्लस आर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी प्लस पी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए प्लस एल बाई टू इंटू क्या हो जाएगा जीरो। और किसी भी संख्या को जीरो से अगर गुणा किया जाए तो हमको क्या प्राप्त होता है, जीरो। और यही जो है हमारे राइट हैंड साइड में है, तो इक्वल हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड, और इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।